हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिएक्शन करेंगे रानीगंज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्यों लो, पानी फूट गया है। गांव वाले बहुत आक्रोश में हैं। ये जसवंत सिंह के रेस्क्यू टीम ऑफिसर। 65 माइनर्स अभी भी लापता। आई डोंट थिंक दे कुड बी अलाइव। रह गए होंगे सबके साथ। पीछे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। अरे हम लोग जिंदा हैं। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर। पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। कोई कच्चे नहीं बता रहा है क्यों कहा हमारे बदले। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है। कैसा प्रयास? टूटना ही होगा। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इन माइनर्स को बचाने के लिए। सर, आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। हमने सुना है नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। मरने नहीं चाहते चाचा। मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया। गिल, ये जो टेक्निक है किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ? नो सर, भारत में पहली बार होगा। इस सरदार जी को उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। ट्रेन आ तो जाएगी ना। सो गाइस, ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये रानीगंज, मिशन रानीगंज एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि 34 साल पहले 13 नवंबर 1989 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक कोयला खदान की एक स्टोरी के ऊपर इस फिल्म को दर्शाया गया है। और जहां पर उस कोयला खदान पर 65 लोग फंस जाते हैं, उन्हीं लोगों को बचाने के लिए जसवंत सिंह गिल अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं, जिसमें से 6 लोगों की मौत भी हो जाती है। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं टीनू सुरेश देसाई। और जसवंत सिंह गिल को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित भी किया था, जो कि रामास्वामी वेंकट के हाथों से इनको पुरस्कार दिया गया था। मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं मूवी के लिए। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा।